रामनगर उत्तराखंड में बसपा के प्रत्याशी पंडित हेमचंद्र भट्ट ने किया डोर टू डोर चुनाव प्रचार। आपको बता दें कि भाजपा कांग्रेस के गढ़ में बसपा के प्रत्याशी हेमचंद्र भट्ट अपने प्रतिनिधियों के भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि डोर टू डोर जनसंपर्क करते हुए जनता से कहा, मुझे इस बार आप सबके साथ की जरूरत है, आपके साथ से ही मैं विधानसभा तक पहुंचूंगा। चुनावी समर में रामनगर विधानसभा से मैदान में खड़े बहुजन समाज के प्रत्याशी हेम भट्ट ने बताया कि उत्तराखंड में कभी भाजपा कभी कांग्रेस का राज रहा, लेकिन इन दोनों ही पार्टियों के द्वारा बारी बारी से शासन करने के बावजूद जनता को उसकी भावनाओं के अनुकूल माहौल नहीं मिल सका। अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही जनता के बीच जमीन से जुड़ा व्यक्ति होने और जनता के दर्द को समझते हुए रामनगर क्षेत्र का शैक्षिक एवं सर्वांगीण विकास की मेरी प्राथमिकता के चलते ही मुझे स्थानीय जनता द्वारा राज्य हित के लिए चुनावी समर में उतारने का निर्णय लिया गया। मुझे खुशी है कि यहाँ की जनता में समर्थन मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है और भारी मतों से इस चुनाव में मेरी जीत भी निश्चित करेगी। यहाँ पहुँचे हैं खताड़ी में जनसभा के लिए, संबोधित जनता के बीच में क्या कहना चाहेंगे? मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ, जनता के बीच में हूँ, जनता का प्यार मिल रहा है। रामनगर का इकलौता कैंडिडेट हूँ, पूरे शहर 50,000 के आबादी में कोई कैंडिडेट नहीं है। भारतीय जनता दल पार्टी से सीधे भाजपा से मेरी टक्कर है और कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं है, उनमें आपस में फूट पड़ी हुई है। बाहर का कैंडिडेट है, इसलिए सभी जनता का मुझे प्यार मिल रहा है, पूरे रामनगर का प्यार मिल रहा है और सभी धर्मों का मुझे प्यार मिल रहा है। इसलिए सर, अगर आप जीतते हैं तो आगे क्या नया ऐसा कुछ करेंगे आप? मैं जीतता हूँ तो रामनगर में जो नगरी भूमि पर बसे लोग हैं उनको मालिकाना दिलाने की बात करूंगा, यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार का इंडस्ट्री लगाने का काम करूंगा, यहाँ रोडवेज को तुरंत जो है अड्डा बनाने की कोशिश करूंगा, यहाँ जो हॉस्पिटल में यहाँ के लोग तड़पते हैं, जो रेफर सेंटर बना दिया गया उसके लिए मैं जो है मांग करूंगा, उसको सुदृढ़ व्यवस्था करूंगा और नगर पंचायत की घोषणा करूंगा। उसके अलावा मालदन को इंडस्ट्री लगाने का काम करूंगा। सर, आज ये तेलीपुरा रोड का जो बदहाल है, मतलब ये महाकाल, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जनता में जा रहा हूँ, जनता इनको जो है सबक सिखाएगी, ये चुनाव में दिखाएगी कि ये तेलीपुरा नहीं, मालदन के अंदर भी सड़कें खराब है, पाटकोट के अंदर भी सड़कें खराब है, सुंदर खाल में जो अभी बाढ़ आई है तमाम घर बह गए, वहाँ भी कोई नहीं है। ये तो जनता के बीच में मैं हमेशा रहता हूँ, सुबह कोरोना काल से लेकर जनता की मैंने सेवा की है, इसलिए मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। रामनगर का कोई कैंडिडेट नहीं है, जो भी अगर विधायक चुनेगा उससे पता है रामनगर हेम भट्ट को एकदम हाथ पकड़ लेंगे, क्योंकि बाहर किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते, हेम भट्ट को आज रात को भी बुला सकते हैं, ये लोगों ने सोचा है, इसलिए रामनगर का विधायक हेम भट्ट को बनाने के लिए मन बना लिया है। सर, अब लॉकडाउन में भी आपने काफ़ी कार्य किया है लोगों के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने लॉकडाउन में नहीं किया, मैं तमाम गरीबों को कंबल बांटे हैं, उसके अलावा लॉकडाउन के अलावा मैंने जो ब्लड डोनेट कैंप लगाए हैं, तमाम गरीब बच्चों को स्वेटर बांटे हैं, तमाम जूट राशन के अलावा मैंने तमाम लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आंदोलन के लाठियाँ खाई हैं, जेल गया हूँ और मैंने तमाम कॉलोनियाँ बसाई हैं शहरों में, यहाँ पर कम से कम 1,500 घर मैंने बसाने का काम किया।